नमस्कार भाइयों, रामबाण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ये मॉडल पेपर जो है यूपी पुलिस SI और SSC कांस्टेबल जो GD की आ रही है भर्ती, उस सभी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो मॉडल पेपर है ये किसी भी अन्य परीक्षा में आपको मदद करेगा, जहाँ पर भी GK रीजनिंग मैथ आ रहे हैं। हाँ, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी के भी लगा दिए हैं। तो GK रीजनिंग मैथ और हिंदी चारों सब्जेक्ट को हमने कंपाइल किया है, चारों सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन लगाए हैं, तो बहुत ही अच्छा पेपर है। बस आज यूँ हम करेंगे, हम इसका सिर्फ क्वेश्चन आपको बताएंगे, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो आपको बस ट्राई करना है कि आपके कितने मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं। पेपर बहुत अच्छा है। जब भी अगर आपको टाइम की दिक्कत आ रही है, मान लिया हम थोड़ी स्पीड से कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है मतलब वीडियो को पॉज करके और तब उसके क्वेश्चन का आंसर देकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, और जब आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे चुके हो तो फिर हमारी अगली वीडियो को देखें, हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो शुरू करते हैं भाई। मॉडल पेपर याद रखना, मॉडल पेपर सभी के लिए है, तो टाइम का भी ध्यान रखना है कि कितने टाइम में आपको क्वेश्चन करने, 115 क्वेश्चन है, अब आपको देखना है कि कितने टाइम में करने हैं। लेकिन अगर आप बगैर रोके कर रहे हैं तो आपको बस ये है कि 90 मिनट टाइम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात भाई, अब हालांकि टाइम यहाँ पर ऐसे में हम आप और हम दोस्त मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइव होता तो अलग बात थी भाई। दूसरी बात भाई, आप अपना आंसर जरूर लिखें। पहले आप 1 से लेकर 115 तक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसका जरूर आंसर लिखिए, और जब हमारा सॉल्यूशन आए तो उसको मैच जरूर कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कुछ सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो आप सही समझे बैठे हैं लेकिन गलत हो चुके होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए, अगली वीडियो को ध्यान से देखना, और एक एक क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना भाई, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक भाइयों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, GK का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, महादेवी वर्मा, जी शंकर कुरूप, सुमित्रानंद पंत या आशा पूर्णा देवी। इसी स्लाइड पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी लगा दिया है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके दोलन की समय अवधि घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी या परिवर्तित रहेगी। तो दो क्वेश्चन है भाई, दोनों क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हम थोड़ा हट जाते हैं, बाकी मेरे हिसाब से आपको साथ के साथ ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ध्वनि तरंग, एक्स किरण, अवरक्त तरंग या चुंबकीय तरंग। दूसरा सवाल, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, अवरक्त तरंग या चुंबकीय तरंग। दूसरा क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, जड़ और पत्ते, फूल और पत्ते, फूल और फल, पत्ते और फल। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ऑप्शन को ध्यान से देखना तब आंसर देना, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में आसान सवाल गलत नहीं होने चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन है बरगद, पीपल, आम या अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, पीपल, आम या अशोक। अगले सवाल पर आते हैं, अब तक यानी 2021 तक ब्राजील ने कितनी बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। छठा सवाल है, अब तक यानी 2021 तक ब्राजील ने कितनी बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है आपने 6 के 6 ठीक किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है। इनमें से बताना भाई, किसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, मलबरी, ओक, टशर और मूंगा किसकी नस्ल है या किसकी किस्म है, रत्न, कपास, रेशम या आम, ठीक है। ओके भाई, बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे हैं, और जब हम इनका सॉल्यूशन बताएंगे तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में भी बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये है तो क्यों है, और ये हमने ऑप्शन अगर ये रखे हैं तो ये ऑप्शन क्या सोच कर रखे हैं, तो आपको ऑप्शन से भी बताएंगे कि भाई ऑप्शन क्या सोचकर हमने क्यों रखे हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी।
अगले सवाल पर आते हैं, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? दसवां सवाल है, 9 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940, 22 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। ट्राई कीजिए भाई। ओके, आप चाहें तो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, छाया मंत्रिमंडल किस देश से प्रारंभ हुआ? शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल किस देश से प्रारंभ हुआ? फ्रांस, ब्रिटेन, भारत या श्रीलंका? फ्रांस, ब्रिटेन, भारत या श्रीलंका, ऑप्शन 4 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, आप अपने हिसाब से मेंटेन कीजिए भाई, क्योंकि टाइम मेंटेन करना सभी का अलग होता है, कोई ज्यादा स्पीड से करता, कोई कम से, तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या स्थायी? सोच समझ कर जवाब देना भाई। ठीक है, जब हम इस सवाल के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे डिटेल हमने क्यों रखा किसी क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? टाइफाइड, कालाजार, एथलीट फुट या पीलिया? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भाई, पानी किस तापमान पर जम जाता है? कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर पानी जम जाता है? -40 डिग्री फॉरेनहाइट, 0 डिग्री फॉरेनहाइट, 4 डिग्री फॉरेनहाइट या 32 डिग्री फॉरेनहाइट? ट्राई कीजिए भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तितलियों के लिए प्रसिद्ध बन्नेरघट्टा उद्यान किस राज्य में है? तितलियों के लिए प्रसिद्ध बन्नेरघट्टा उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या झारखंड? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या झारखंड। अगले सवाल पर आते हैं, 16वें पर, भूमध्य रेखा के आसपास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? ओके, पर्णपाती, सदाबहार, कोणधारी या कांटेदार? जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं भाई। ओके, पर्णपाती, सदाबहार, कोणधारी या कांटेदार? ओके, अगले 17वें क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम और शहर बेमेल है? इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम और शहर बेमेल है? बाराबती, कटक, ग्रीन पार्क, कानपुर, ब्रैब्रॉन, मुंबई, कीनन, बंगलुरु? ट्राई कीजिए भाई, देखिए। ओके, अगले सवाल पर आते हैं, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? फॉसिल्स, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, कोयला, यूरेनियम, पेट्रोल या डीजल? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोल या डीजल? ओके, अगले सवालों पर चलते हैं, 18 हो चुके हैं, 19वां और 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28? ओके, बहुत अच्छे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा कहां पर बनाया था? दिल्ली, अजमेर, आगरा या लाहौर? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, अजमेर, आगरा या लाहौर। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, और उम्मीद है आपने 20 क्वेश्चन पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, मलेशिया या कनाडा? नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, मलेशिया या कनाडा? ओके, अगले सवाल पर आते हैं, 22वां, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1785, 1815, 1843 या 1812? भाई मैं फिर से बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे तो सवाल को एक ही बार में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और सभी ऑप्शन को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमने क्वेश्चन पढ़ा और पहले ही दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं, दूसरे चौथे पर ध्यान भी नहीं देते, तो कई बार हमारे ऑप्शन भी मतलब सवाल के आंसर को बदल देते हैं, तो ऑप्शन पर लास्ट तक जरूर जाना चाहिए। नौसादर होता है, नौसादर बताना है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट? ओके, आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, नाजी सेना किस शासक से संबंधित थी? नाजी सेना किस शासक से संबंधित थी? ऑप्शन ए है हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी या फिदेल कास्त्रो? हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी या फिदेल कास्त्रो? ठीक है, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25वां क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, असम या कर्नाटक? यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। 26वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन आपके सामने 124(4), 132(3), 148(1) या 153(4)। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27, किस देश में एक दलीय प्रणाली लागू है? एक दल वाली प्रणाली किस देश में लागू है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या चीन? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या चीन में एक दलीय प्रणाली लागू है। 28वां सवाल बहुत अच्छा है, इनमें से किस नेता का शव वर्षों से सुरक्षित रखा गया है? किस नेता का शव वर्षों से सुरक्षित रखा गया है? लेनिन, अब्राहम लिंकन, निकोलस द्वितीय या हो ची मिन? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लीडर हैं जिनका शव रखा गया है। 29वां सवाल कहता है, सरदार पटेल पुलिस अकादमी कहाँ है? सरदार पटेल पुलिस अकादमी कहाँ है? मसूरी में है, देहरादून में है, कटक में है, हैदराबाद में है? ठीक है, 29 क्वेश्चन हो गए। 30वां सवाल, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, घुड़सवारी, साइकिल रेस या बेसबॉल? ये हमने जो 30 सवाल बताए भाई जीके के बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर हो तो उसके बाई ओर कौन सी दिशा होगी? यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर हो तो उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? लेफ्ट साइड की दिशा बतानी है भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 32वां और 33वां दोनों क्वेश्चन सीरीज के हैं, आप देख सकते हैं 1, 4, 4, 28, 7, 70, 10 क्वेश्चन मार्क 13 ऑप्शन दे रखे हैं। इनको तो आप सीरीज को तो आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ही ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, या सामने देखकर भी कर सकते हैं, बोलने में आपको भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे 32-33 दोनों सीरीज। 34, इंद्रधनुष आकाश तो मरीचि का क्या? इंद्रधनुष आकाश तो मरीचि का क्या? भ्रम, प्रकाश, रेगिस्तान या पेड़? 34 हो चुके हैं। 35वां, 38 छात्रों की पंक्ति में रवि आगे से 15वां है तो पंक्ति में पीछे से रवि का स्थान कौन सा होगा? ओके भाई, ऑप्शन 22, 23, 24 या 25, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दे रहा हूं मैं जिससे आपको समझने का मौका मिले। ओके, 36वां क्वेश्चन कहता है, कागज लुगदी से संबंधित और मक्खन किससे? जिस प्रकार कागज का संबंध लुगदी से उसी प्रकार मक्खन का संबंध किससे है, ट्राई कीजिए। ऑप्शन है दूध, प्रोटीन, भोजन या पौष्टिक? ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 37, किसी लीप वर्ष का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? किसी लीप वर्ष का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? ऑप्शन है शनिवार, रविवार, सोमवार या मंगलवार? ओके भाई, जैसा मैंने बताया मैं हर एक चीज को टच करके चलूंगा भाई, रीजनिंग में भी ये नहीं कि एक ही तरह के सारे सवाल रख दिए, हम हर एक चीज को टच करके चलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए और करते रहिए। अब कह रहा प्रश्न संख्या 38 से 42 तक बेमेल बताने हैं, और ढूंढना, विषम ढूंढना, भिन्न ढूंढना या बेमेल बताना है 38 से 42 तक। पहला 38वां सवाल है यूएक्स, डी जी, पी आर और आई एल में बेमेल बताना है। यूएक्स, डी जी, पी आर और आई एल में बेमेल 38वां हो चुका होगा। ठीक भाई, 39 और 40 बेमेल ही बताना है। बछड़ा, भेड़िया, पिल्ला या शावक? बछड़ा, भेड़िया, पिल्ला या शावक? यहां पर आ जाते हैं, प्रकाश वर्ष, मील, गज या लीटर? प्रकाश वर्ष, मील, गज या लीटर, दोनों में बेमेल बताना है 39 और 40 में। अगला क्वेश्चन 41 और 42, 81.9, 25.7, 36.6, 64.10 देख लीजिए भाई ध्यान से। ओके ठीक, 42वां कह रहा है अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, धूपगढ़ और थार, इन में भी बेमेल ही बताना भाई। 41 और 42 में क्या करना है, हमें बेमेल छाटना है भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 43, कोडिंग डिकोडिंग का है, टी बराबर दे रखा है, न्यू बराबर पूछा गया है। टी बराबर दे रखा है, न्यू बराबर कितना होगा ये बताना आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, किसमें नजदीक छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम से एक बढ़ती जा रही है? किसमें नजदीक छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम से एक बढ़ती जा रही है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, देख लीजिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। 45 से 47 में वह विकल्प बताओ जो दिए गए समूह के समान हो, यानी इस ग्रुप के जैसा ग्रुप में बताना है।
45 से 47 तक। तो दिया गया समूह ये दे रखा है, इसके जैसा बताना है। 45वें में 4, 15, 63 दे रखा है, इसके जैसा बताना है। ऑप्शन में 2, 5, 9 है, 3, 8, 26 है, 5, 25, 125 है, 6, 23, 35 है। देख कर करना भाई, बहुत अच्छे सवाल हैं ये, जल्दबाजी में गलत भी होंगे ये। 46 में भी वही है, 10, 100, 50, 6, 36, 25, 4, 40, 10, 8, 80, 40 या 2, 10, 20। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। 47वें में भी वही है, 45, 40, 47 लिख दिया था, 68, 48, 14। ओके, देख लीजिए, 47, 24, 9, 94, 36, 13, 75, 45, 15, 54, 20, 18। बहुत अच्छे सवाल, जैसा मैंने कहा था, बहुत अच्छे सवाल हैं, सोचने का मौका मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, लॉजिकल होंगे, ऐसा नहीं कि फालतू के इधर उधर के लगा दिए, लॉजिकल क्वेश्चन होगा, एक हर एक सवाल लॉजिकल होगा। 48 सीरीज आ गई भाई, 5, 20, 90, 350, 1040, 2070 के बाद क्या आएगा। बहुत अच्छी सीरीज है, ट्राई कीजिए। जब हम आपको इनके आंसर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं हमने, चाहे किसी की बात करें। तो ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को करने, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, याद रखना। 49 नेट बराबर 10 है, न्यूज बराबर 7 है, ENIN बराबर क्या है। ओके, ठीक है, ऑप्शन 11, 8, 9 या 4। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। 50वां, 15,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 600 रुपये है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक है। मैथ शुरू हो गया भाई, ठीक है, 15,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 600 रुपये, तो ब्याज की दर कितने परसेंट वार्षिक है। ऑप्शन है 5, 10, 12 या 20। ठीक भाई, बहुत अच्छे, अगले सवाल पर चलते हैं। 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार में से 4 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार में से 4 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ट्राई कीजिए भाई, देख लीजिए। ओके, 55, 110, 962 या 382। ठीक, एक वृत्ताकार तार है, तार को वृत्ताकार मोड़ रखा है और उसका व्यास है 70 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, तो उसमें से 4 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये बताना था आपको। 52 2π/5 रेडियन का मान कितने डिग्री होगा, इसको डिग्री में बदलना भाई। ऑप्शन है 36 डिग्री, 72 डिग्री, 120 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल दे रहा हूँ। 53 गौरव के पिता की आयु गौरव की आयु से 6 गुणी है, ध्यान से देखना। गौरव के पिता की आयु गौरव की आयु से 6 गुणी है, गौरव की बहन की आयु गौरव से 2 वर्ष अधिक है, गौरव की माँ की आयु उसके पिता से 3 वर्ष कम है। 2 वर्ष बाद गौरव की माँ और बहन की आयु में 7:2 का अनुपात होगा, तो वर्तमान में गौरव की आयु कितनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है भाई। ओके भाई, ऑप्शन आपके सामने है। 54 1875 और 972 का मध्य अनुपाती बताना आपको कितना होगा। 1875 972 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने 1350, 1250, 1280 या 1320। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। 4 कुछ संख्या दे रखी है, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना आपको। ठीक, 56 किसी संख्या के 20% में से 7 घटाने पर 11 प्राप्त होगा, तो संख्या बताइए। बिल्कुल लड्डू सवाल है। ओके, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। 57 एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और विकर्ण 17 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर है। ऑप्शन है 32, 50, 40 या 23। ट्राई कीजिए भाई। ओके, किसी वस्तु को 165 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, कितने में बेचेगी 20% लाभ हो। 165 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता, कितने में बेचेगी 20% लाभ हो। ऑप्शन 180, 190, 198 या 210। आप देख सकते हैं। ओके भाई, इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है भाई। 2 की पावर 90, 3 की पावर 75, 5 की पावर 45 या 11 की पावर 30, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये बताना है। ओके, 60 क्वेश्चन
130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितने मीटर है? बिल्कुल सिंपल, कोई हेर फेर नहीं, आराम से कीजिए भाई, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके भाई। 61, किसी फैक्ट्री में रवि रोजाना 30 पेन बना सकता है जबकि सोनू रोजाना 45 पेन बना सकता है, वे दोनों मिलकर कितने दिन में 1200 पेन बना सकते हैं? ठीक भाई, ऑप्शन है 18, 16, 12 या इनमें से कोई नहीं। ओके, यदि 100 तक की संख्याएं लगातार लिखी जाए तो 63वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यदि 100 तक की संख्याएं लगातार लिखी जाए तो 63वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं हम। यदि ए और बी में 12 का अंतर हो तथा ए का 1/4 बी के 20% के बराबर, तो ए बराबर कितना है? ध्यान से देखना, ए और बी में 12 का अंतर हो तथा ए का 1/4 लिखा हुआ है, ए का चौथाई भी कह सकते हैं, ए का 1/4 बी के 20% के बराबर हो, तो ए कितना है, ए बराबर कितना है? ऑप्शन है 72, 60, 50 या 48। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। 64, 30 लीटर मिश्रण में 80% दूध और शेष पानी है, 30 लीटर मिश्रण में 80% दूध और शेष पानी है, कितने लीटर दूध और मिलाए कि 15% पानी हो जाए? कितने लीटर दूध और मिलाए कि 15% पानी हो जाए? लैंग्वेज पर जरूर ध्यान देना भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 183, 93, 48 को भाग देने पर समान शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे इनको भाग देने पर समान शेष बचे। ऑप्शन है 9, 15, 30 या 45। देख कर करना भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। 64, ये तो हो चुका, ये भी हो गया, 65 हो गया, 66 पर आते हैं, उल्टा हो गया था वो। 100, 98, 100+ का, 98 माइनस का, 96+ का, 94 माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चल रहा है 8, 6, 4, 2, यानी कि एक संख्या प्लस की चलती है, एक माइनस की चलती है भाई, और सिर्फ सम संख्या ले रखी है आपके सामने, इनका टोटल कितना होगा ये बताना है, 25, 50, 80 या 100। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 67, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है? पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई बतानी है। ओके, 7, 14, 21 या 28, ट्राई कीजिए। ओके, बेलन यानी सिलेंडर। यदि a(b) = a-3² × b-2, तो 7(5) क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, देखिए भाई ध्यान से। 68, 69, यदि 9^(a-2) = यहां पर मिस हो गया है, ठीक है, आप 69 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहां पर कुछ प्रिंट मिस हो गया है, कोई भी संख्या अभी इतना बना नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए अभी इसको, ठीक है, 69 को छोड़ दीजिए। 70, अब हिंदी शुरू हो गई भैया। ओके भाई, शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन है आशुतोष, ठठेरा, प्रशंसनीय या मृदुभाषी। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? 71, इनमें से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? ऑप्शन है कमल, मछली, बादल या मोती। कमल, मछली, बादल या मोती, इनमें से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। मिथ्या का विलोम है, मिथ्या का विलोम है, झूठ, दिखावा या विश्वास या सत्य। 73, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता, आत्मा, जीव या पानी। देखकर करना भाई। ओके, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का, भूकंप आना, मेहनत करना, मुसीबत आना, सफल होना। देखिए, जय शब्द का विलोम है, जय शब्द का विलोम है, विजय, अजय, जीत या पराजय, ध्यान से देखना भाई। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? ए, अभिमान या आन, देखकर करना भैया।
जुगुप्सा किस रस का स्थाई भाव है? वीर रस, अद्भुत रस, करुण रस या विभत्स रस? तो हिंदी चल रही है, 77 तक आ चुके हैं हम। 78, रसाल किसका पर्यायवाची है? रसाल शब्द किसका पर्यायवाची? ऑप्शन है आम, शहद, पानी या सोना। आम, शहद, पानी या सोना किसका पर्यायवाची है? रसाल। 79, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला बताना है भाई, आपको पहचान करनी है। कवित्री, पूजनीय, उज्ज्वल, व्यवहारिक। देखिए भाई, ठीक है भाई, अभी मैं जो शुद्ध वर्तनी वाले उनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलूंगा तो मुझे भी गलत बोलने में दिक्कत आती है, तो इसलिए सिर्फ आप देखेंगे। इनमें से वह शब्द कौन सा जिसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, शब्द युग्म में नियत और नियत, नियत और नियत, इनका सही अर्थ बताना आपको। ऑप्शन इरादा या भाग्य, इरादा या निश्चित, निश्चित या इरादा, भाग्य या इरादा। थोड़े निश्चित की स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, निश्चित समझना। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। भुवन का अर्थ है, भुवन का अर्थ है घर, खेत, पर्वत या संसार। घर, खेत, पर्वत या संसार। ठीक है भाई, 83 कह रहा है किस बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहा जाता है? किस बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहा जाता है? तेलुगु, राजस्थान, खड़ी बोली या फारसी? इनमें से किसको रेखता या जनपदीय हिंदुस्तानी भी कहा जाता है? ओके, 84, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, महाभारत, गीत गोविंद या विनय पत्रिका। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए तथा उसके अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष या यमक। आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो पॉज कीजिए, बस आपको उत्तर साथ के साथ लिखना है। अपना अपना जो ऑप्शन है ए बी सी डी, जो भी आपको लग रहा है उसको साथ के साथ करना, बाद में के लिए मत छोड़ना। ठीक है भाई, ओके, 85 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कार्तिक ने 60 किलोग्राम गेहूं खरीदा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना भाई, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक, देखकर करना भाई। इनमें से कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है, पे है, के है, भय है या बह है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 88, विनय पत्रिका किसकी रचना है? इनमें से किसकी रचना विनय पत्रिका? सूरदास, नरोत्तम दास, रैदास या तुलसीदास? ठीक भाई, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीही, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? ठीक है, बहुत अच्छे। अब आगे फिर जीके पर आ गए हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है 72, 85, 106 या 138। ओके, स्नेस तथा क्लीन एवे जर्क किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन या बिलियर्ड्स? ठीक है भाई, बहुत अच्छे, उम्मीद है आप यहाँ तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? सर्च पेज, फ्रंट पेज, टैब पेज या होम पेज? किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? स्वर्ण सिंह समिति, शिवराम समिति, वांचो समिति या होरा समिति? देखिए भाई ध्यान से। ओके, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है? किस संस्था द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है? आई स्कैन, आई पी सी सी, आई यू सी एन, आई एन ए टी? ठीक है भाई, ओके। भारत में वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन है 6 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर या 9 लाख वर्ग किलोमीटर? ओके भाई, देखिए भाई, अभी हम 95 तक आ चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को अगर अभी भी आपने लिखा नहीं है तो दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन अपने हिसाब से दीजिए। और अगली वीडियो जिसमें हम सॉल्यूशन बताएंगे, अभी हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, जब हम अगली वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे तो आपको उसको मैच करना है और फिर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है भाई, ओके, चलते हैं आगे। फ्लॉप्स किसकी क्षमता बताता है? फ्लॉप्स किसकी क्षमता बताता है? ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, चक्रवात, रॉकेट इंजन या
भूकंप ट्राई कीजिए भाई। 97, इनमें से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, कौन सी विशेषता है, बेरोजगारी का उन्मूलन, आर्थिक समानता, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, या ये सभी, आप देख सकते हैं। ठीक भाई, 98, अष्टदिग्गज किस शासक से संबंधित है, अष्टदिग्गज किस शासक से संबंधित है, अकबर, शिवाजी, हर्षवर्धन या जयराजा कृष्णदेवराय। ओके, आगे चलते हैं। वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने कोर्ट में केस जीतकर 2004 से आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिलवाया। बहुत अच्छा सवाल है। नवीन जिंदल, पिंगले वेंकैया, हेमंत केशव पांडे या ए एम नार्लेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी हॉस्टल में 36 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन है, 10 दिन बाद 9 छात्र और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन चला। ठीक भाई, लिख सकते हैं। अगला सवाल, रवि और सुनील मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, पहले रवि ने 8 दिन काम किया, शेष काम को के लिए सुनील ने 11 दिन में समाप्त किया, तो अकेला सुनील पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। बहुत ही गजब सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर करके देखें, अपनी मेहनत से करके देखें, हमारे सॉल्यूशन देने से पहले अगर अभी टाइम में कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब टेस्ट खत्म हो जाए तो इस सवाल को जरूर करके देखें। ठीक भाई, 102, पानी और चीनी के किसी घोल में 20%, ये परसेंट है, चीनी है, यदि उसमें 3 किलोग्राम पानी और 2 किलोग्राम चीनी मिला दे तो 25% चीनी हो जाती है, या 20% है, 25% चीनी हो जाती है, प्रारंभ में कुल कितना घोल था। ऑप्शन है आपके सामने 30, 25, 15, या इनमें से कोई नहीं, ये 20% और 25% है भाई, ध्यान रखना। किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 15 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है, एम तथा एन क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, और भुजा एम एन की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रवि की चाल केशव की चाल से 10% कम है, परसेंट है वो, कम है, जबकि सोनू की चाल केशव की चाल से 20% अधिक है, यहाँ परसेंट लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा कंप्यूटर ने जो होता है सॉफ्टवेयर वो थोड़ा बहुत करता है चीज़ों को चेंज अपने हिसाब से। रवि की चाल केशव की चाल से 10% कम है, जबकि सोनू की चाल केशव की चाल से 20% अधिक है, किसी दूरी को तय करने में सोनू को रवि की अपेक्षा 2 घंटे कम समय लगता है, तो उस दूरी को केशव कितने समय में तय करेगा। बहुत ही गजब सवाल है भाई, ये पूछ रहा उस दूरी को केशव कितने समय में तय करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत पहले 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो कि बढ़कर 44 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, अनूप ने चीनी की खपत 20% कम कर दी, तो उसके द्वारा चीनी पर होने वाले कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कुल खर्च कितने परसेंट कम हुआ यह बताना है, 8%, 10%, 12% या 16.66%। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है 106 से 109 वो इस चार्ट पर आधारित है कि एक घर के निर्माण में विभिन्न प्रकार पर किए गए खर्च मूल्य को दर्शाता है, और घर निर्माण में कुल खर्च 18 लाख रुपए हुआ है, तो टिम्बर पर 36 डिग्री, मजदूरी 90 डिग्री, सीमेंट 72, ईंट 54 डिग्री, स्टील 54 डिग्री, सुपरविजन 54 डिग्री, ये 54 वाले हैं, 36, 90, 72 है, टिम्बर, मजदूरी, सीमेंट, ईंट, स्टील और सुपरविजन। आप चाहे तो इसको छोटा सा बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अगले सवालों को पढ़ते हैं। पहला, घर के निर्माण में सीमेंट पर हुए खर्च और स्टील पर हुए खर्च में कितने रुपए का अंतर है, सीमेंट और स्टील के खर्च का अंतर बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। अगले सवाल में, टिम्बर पर कुल लागत का कितने प्रतिशत खर्च हुआ, जो टिम्बर पर कुल खर्च हुआ वो कुल लागत का कितने परसेंट है, 5%, 12%, 15% या 10%। ठीक, घर के निर्माण में सुपरविजन पर कुल कितने रुपए खर्च हुए, वहां परसेंट पूछ रहा था, यहां रुपए पूछ रहा है, कितने रुपए खर्च हुए हैं सुपरविजन पर। ओके, हो गए। मजदूरी पर होने वाला खर्च सीमेंट पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, मजदूरी पर होने वाला खर्च सीमेंट पर होने वाले खर्च से कितने परसेंट अधिक है, 15%, 20%, 25% या 30%, चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 110 रीजनिंग का, यदि 5 को 25 कहे, 7 को 49 कहे तो 9 किसे कहेंगे। ऑप्शन है आपके सामने 81, 64, 6 या 3। ठीक भाई, बहुत अच्छे। किसी व्यक्ति के पुत्र की मौसी का पिता उस व्यक्ति की पुत्री के मामा की पत्नी से कैसे संबंधित है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। ठीक भाई, ओके, अगले सवाल पर।
किसी मीटिंग में रवि को 8:40 पर पहुंचने पर पता चला कि वो सुमित से 25 मिनट देरी से पहुंचा, जो कि सही समय से 10 मिनट पहले पहुंचा था। तो मीटिंग का सही समय क्या था, देखकर करना भाई। बहुत आसान सवाल है लेकिन गच्चा भी बहुत खाते हैं। ओके, बस 3 सवाल और रह गए हैं। मी बराबर 9, सिट बराबर 16, फैमिली बराबर 11, तो केक बराबर क्या? ऑप्शन है आपके सामने 5, 8, 10 या 13। ओके भाई, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 200 मीटर गया, 45 डिग्री बाएं मुड़ा और 200 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 200 मीटर चला, अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? चेहरा पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके ठीक है, आज का लास्ट सवाल। ये सीरीज है आपके सामने, इसको कंप्लीट करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो खाली स्थान है इनको भरना है। ट्राई कीजिए भाई, देखकर भरना भाई। तो भैया जी, ये था आपके लिए हमारा पेपर और ये हमारा मैसेज आपके लिए कि ले ही जाएंगे मंजिल तक ये राहें हौसला रख, ले ही जाएंगे मंजिल तक ये राहें हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा होने नहीं दिया? ऐसा तो हो नहीं सकता, अंधेरा कितना भी हो सवेरा तो होना ही होता है। तो भैया हौसला रखिए और ये बताइए कि आपको मॉडल पेपर कैसा लगा, हमारे क्वेश्चन किस लेवल के लगे, कैसे अच्छे लगे, आप ऐसे ही लगे, टाइम पास लगे, ज़रूर कमेंट करें। और उम्मीद है आपने ये जब अभी आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने सीरियसली पेपर को किया होगा और आपको इंतजार रहेगा हमारी अगली वीडियो का भी, जिसमें हम सॉल्यूशन बताएंगे। बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि बगैर सॉल्यूशन को अपने आप को निर्धारित मत करना, सॉल्यूशन देखिए, एक एक क्वेश्चन का मैच करना, उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे कुछ सवालों की जहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।